बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी सेफ हो घर में। बेटा, कल हमने लाइव स्ट्रीम क्लास ली थी, बट उसमें एक प्रॉब्लम आई, काफ़ी सारे बच्चे जुड़ नहीं पाए थे। अब वजह कुछ भी हो सकती है, शायद उनसे लॉगिन नहीं हुआ गूगल क्लासरूम में। तो मैंने सोचा है कि आज एक सेल्फ मेड वीडियो बनाई जाए, जिसको मैं व्हाट्सएप, यूट्यूब और गूगल क्लासरूम तीनों जगह पोस्ट करूँगा। तो हम जैसा कि जानते हैं, कल हम क्या पढ़ रहे थे, हमने चैप्टर पढ़ा है अपना फन विद नंबर्स, है ना? फन विद नंबर्स में कल क्या किया था हमने? कल हमारी शुरुआत ही कहाँ से हुई थी? कल हमारी शुरुआत हुई थी जब कमेंटेटर्स महेंद्र सिंह धोनी की सेंचुरी का वेट कर रहे थे और वो गैस कर रहे थे कि भाई धोनी सेंचुरी लगा पाएगा या नहीं। एंड धोनी वॉज बैटिंग ऑन 96, है ना? Then suddenly he hit a 6 and his score was 102. I hope आपने वो fill in the blanks वगैरह सारे कर लिए हैं अपने notebook में, क्योंकि मुझे अभी तक सिर्फ सुमन और एक बच्चे का मिला है, बाकी बच्चों ने अभी send नहीं किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी से आप Google Classroom पे send करोगे। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं आगे। अब देखो बेटा, यहाँ पे पेज नंबर 17 पर आते हैं, तो हमें यहाँ पे अलग अलग प्लेयर्स के डाटा दिए हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास कितने 10 प्लेयर्स हैं, जिनमें से इधर देखो, ये APJ, AS, CK, DM, KSP, ये शॉर्ट फॉर्म है। जैसे AS कुछ भी हो सकता है, आकाश शर्मा, है ना? CK, चंद किशोर, कुछ भी, MD, महेंद्र सिंह धोनी, PK, ये एब्रीविएशन है। जैसे मेरा राहुल बंसल है, तो मेरा नाम शॉर्ट में क्या हो जाएगा? RB, है ना? तो आपको क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें इनके स्कोर देखने हैं। अभी देखो ध्यान से, APJ का स्कोर कितना है? 128 है। तो बेसिकली ये जो डाटा है, ये हमारे कहाँ काम आएगा? ये हमारे काम आएगा इन क्वेश्चंस को पूरा करने में। ये क्वेश्चंस है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, इनको पूरा करने में ये डाटा काम आएगा। चलो करते हैं शुरू। तो अभी पढ़ते हैं, CK just missed his century. How many run did he need to make a century? तो अभी ध्यान से देखो, इसमें CK कहाँ पे बैटिंग कर रहा है? CK यहाँ है, देखो ध्यान से, ये CK का स्कोर है ना। CK का वो कह रहा है कि CK ने अभी एक सेंचुरी मिस कर दी है, तो ये बताओ सेंचुरी से वो कितने रन दूर था कि उसकी सेंचुरी हो जाती। तो जैसा कि हम जानते हैं, कल बताया था ना मैंने कि सेंचुरी क्या होती है, सेंचुरी होती है, ये यू है बेटा, थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है इसमें लिखने में, सेंचुरी 100 होती है ना। अब सेंचुरी 100 है तो, और यहाँ पे CK का स्कोर क्या है, CK का स्कोर है 99। अब 99 स्कोर है तो हमें पता है यहाँ पे 99 स्कोर है, तो हमें पता है कि अगर वो एक रन और बना देता तो उसकी 100 हो जाते हैं, और 100 क्या होता है, 100 सेंचुरी होती है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे